अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है चिकन चाउमीन। हम चाउमीन जो बनाएंगे उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, चिकन लेंगे और मैं स्पेगेटीज से बना रही हूँ। आप लोग एग नूडल्स भी ले सकते हैं। अब हमें इनमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। मैंने एक पाव चिकन लिया है, यूँ जूलियन शेप में कट कर लिया है, बोनलेस है। एक शिमला मिर्च ली थी, वो भी जूलियन शेप में कट कर ली। प्याज भी और गाजर भी ली थी, उसे भी ऐसे ही कट कर लिया। और बंद गोभी, स्पेगेटीज हैं हमारे पास। एक चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, एक चम्मच व्हाइट पेपर है और नमक है। एक चम्मच मैरिनेशन के लिए यूज करूंगी और हाफ टी स्पून या वन टी स्पून जितना हमें चाहिए होगा हम स्पेगेटीज में डालेंगे। सोया सॉस चाहिए होगी हमें इसके लिए। और डेढ़ चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। मैं चिकन में एक चम्मच व्हाइट पेपर जो हमने लिया था उसमें से एक स्पून इसमें डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब ये जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था ये हम ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी, एक दो घूंट, और बस आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 10 मिनट इसको मैरिनेट करें, उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे शैलो फ्राई। अब हम एक पैन में पानी लेंगे, मैंने उसे बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी स्पेगेटीज जो है डालूंगी। स्पेगेटीज को मैंने तोड़ा नहीं है, ऐसे ही डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये नरम होंगी खुद ब खुद अंदर चली जाएंगी। हम इसमें एक चम्मच नमक का भी मैं ऐड करूंगी। ये देखिए स्पेगेटीज हमारी जैसे जैसे नरम हो गई सारी पानी में खुद ही डिप हो गई हैं। अब मैं इसे 10-15 मिनट तक इन्हें कुक होने तक बॉईल करूंगी, उसके बाद इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। अब हम अपना चिकन फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई ली है, उसे गरम कर लिया हमने। उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हमारा तेल गरम होगा हम इसमें चिकन जो है उसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखें अब मैं चिकन डाल रही हूँ। हो चुका है, अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी, निकाल लूंगी। अब मैं वेजिटेबल जो है उनको हल्का सा फ्राई करूंगी। जो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था हमने चिकन फ्राई करने के लिए उसमें सिर्फ 1 स्पून और ऐड कर रही हूँ टेबलस्पून। टोटल हम 3 टेबलस्पून ऑयल में अपनी स्पेगेटीज या सॉरी चाउमीन जो है वो बनाएंगे। तो अब सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, कैरेट, बस हम इन्हें हल्का हल्का सौते करेंगे। अब इसमें नमक, हाफ टी स्पून नमक, काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर था यानी काली मिर्च थी, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर मैंने ऐड किया है। नमक जो है आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी स्पेगेटीज को बॉईल करते हुए भी डाल चुके हैं और चिकन में भी हमने डाला है। वन टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। अब चिकन हम ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था। देखें स्पेगेटीज जो थी हमारी बॉईल हो चुकी थी, मैंने उनका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं इस पे 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लगाया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं।
जब आप इसका पानी ड्रेन करें तो एक ग्लास ठंडा पानी ऊपर से डाल दें ताकि इनका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए और ये पड़े पड़े गले नहीं, आपस में ज़्यादा पक ना जाए। देखें हमारी वेजिटेबल और चिकन जो था वो रेडी हो गया है। अब हमने जो स्पेक्टिस बॉईल की थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नूडल्स भी ले सकते हैं, मेरे पास स्पेक्टिस थी इसलिए मैं उसे चाउमीन बना रही हूँ। अब हम इसे आराम आराम से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी जो चाउमीन है वो बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। हम इसको रोल्स के साथ, स्प्रिंग रोल्स के साथ सर्व करेंगे। देखें हमारा जो चाउमीन था वो बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसे स्प्रिंग चाउमीन रोल के साथ सर्व किया है। किसी दिन आपको ये भी बनाना बताएंगे हम लोग। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।